हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सुनील, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक चटनी जार है जो मिक्सर मशीन जो मसाला और चटनी पीसने के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसको हमें कैसे ठीक करना है पहले ये वीडियो में हम आज समझेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलिए, हमको एक प्लायर की ज़रूरत होगा। तो यहाँ पकड़ के इसको दोस्तों, इसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो गुना होता है उल्टा होता है, हमें टाइट की तरफ करना पड़ता है। देखिए, इस तरफ हम करेंगे तो ही ये खुलेगा, अगर इस तरफ करेंगे तो टाइट होगा। तो हमें आगे की तरफ इसको घुमाना है। तो यहाँ पर देखिए, लूज हो गया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये पूरा ढक है। यहाँ से देखिए, यहाँ बिल्कुल ही ढक है, यहाँ पर बिल्कुल ही ढक है। देखते प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर चलिए, हम इसको खोल के बाहर निकाल लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसके अंदर जो ये सापट रहते हैं और इसके अंदर बूस लगे हुए रहते हैं। तो हमें ये बूस जो है ना, वो टूट गया हुआ है, बूस जो हमारा टूट गया हुआ है। तो हमारा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बूस चेंज करना पड़ेगा। बूस चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले ये तीनों जो स्क्रू होते हैं इसको निकालना पड़ेगा, खोलने पड़ेगा। पहले स्क्रू ड्राइवर से ये स्क्रू सभी खोल लेते हैं। अब हमें एक बम्बू की ज़रूरत होगा ताकि इसका जो बूस होता है उसको निकालने के लिए। तो हमें बम्बू को ऐसे रख लेना है और इसके ऊपर ये रख लेना है, ये पंचिंग रॉड चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पे इसको रखना है और हथौड़ी से, हथौड़ी की मदद से इसको इस पर मारना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो इसका जो बूस लगे हुए थे, ये देखिए पूरा टूट गया हुआ है और पहले से ही टूटा था। अब क्या करेंगे, हम इसमें नया बूस डालेंगे। तो इसमें से हम एक नया बूस ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली बूस लगेगी इसमें, तो ये वाला बूस हम निकाल लेते हैं। और इसको लगाना कैसे दोस्तों, यहाँ नीचे रखना है आपको, यहाँ कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे रख लेना है कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस पे रखने के बाद थोड़ा सा प्रेस करना है और थोड़ा इस पे हथौड़ी से मार के अंदर कर देना है थोड़ा। हमें थोड़ा सा और इसको ठोक के थोड़ा अंदर कर देना है। इससे क्या होगा कि बाहर वाले जो ब्लेड है उसे लगाने के लिए ऊपरी हिस्से में थोड़ा ज़्यादा निकलना पड़ता है। अब हम चेक करेंगे इसमें लगा के। तो ये लगाने के बाद हम ब्लेड चेक कर लेंगे कि हमारा ब्लेड टच तो नहीं नीचे हो रहा है। थोड़ा सा और ऊपर आएगा ये। चलिए, हम इसको अब सेट करके देखते हैं। तो इसका जो ग्रिप होता है गुने का दोस्तों, ये उल्टा ही टाइट होता है। देखिए, इस तरफ ही टाइट होता है, ये पीछे की तरफ टाइट होता है। ये ढक है तो हमें वाशर और लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये बैठ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो स्क्रू हमने तीन निकाला था, ये सभी स्क्रू को टाइट कर देते हैं। इसमें हमें तीनों स्क्रू को पूरा फुल टाइट नहीं करना है, थोड़ा कम ही टाइट करना है, क्योंकि हमें इसमें चेक करना है अभी बाकी है। पूरा फुल टाइट नहीं करें इसको। चलिए, हम इतना कम से कम इसको टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे लगाए हैं, फिर भी अभी देखिए थोड़ा सा ये देखिए ढक कर रहा है। तो हमें यह ढक ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाशर ऊपर या नीचे वाशर लगाना पड़ेगा। तो चलिए, हम इसको फिर वापस से खोलना पड़ेगा हमें। तो हम एक वाशर इसमें नीचे और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे एक वाशर बढ़ा देते हैं। फिर हम इसको ट्रायल लेते हैं कि अभी भी हमारा ढक है या ठीक है। Mm.
दोस्तों ढक तो नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि देखिए यहाँ पे ये टच कर रहा है, तो हमारा ये लगभग हो ही गया है ठीक। तो इसको हम अब अच्छी तरह से स्क्रू टाइट कर देंगे, पूरा फुल टाइट कर देना है। तो चलिए हमारा ये टाइट हो गया है, इसको हम सेट कर लेते हैं। एक वाशर हमें ऊपर लगा देना है। बिल्कुल भी ढक नहीं है। इसको अच्छे तरह से टाइट कर लेना है हमें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पूरा बिल्कुल भी ढक नहीं है और पूरा अच्छे से वर्क करना चालू कर दिया है ये। अगर आप मिक्सर में लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से मसाला जो है, अच्छे से चटनी मसाला आपको अच्छे से पीस देगा ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी ढक नहीं है, हल्का सा रहना चाहिए मामूली ढक। उससे क्या होगा कि हमारा जाम नहीं चलेगा। जितना ही फ्री हमारा होगा, देखिए जितना फ्री होगा उतना ही हमारा अच्छे से ये मोटर इसमें जल्दी घुमा देगा और मसाला अच्छा पिसाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले। तो अगर कमेंट में करना है तो कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप इसका आगे धंधा करना चालू स्टार्ट कर रहे हैं रिपेयरिंग का, तो कमेंट करें, उसका मैं उस हिसाब से वीडियो बना दूंगा। सिर्फ आपको देखिए इतना ही अगर सामान रख लेते हैं तो आप अच्छे से रिपेयरिंग कर पाएंगे। ज़्यादातर ये जो सामान मिल रहा है ज़्यादातर यही ख़राब होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपसे एक नए वीडियो में मिलेंगे। जब तक ले, जय हिंद, वंदे मातरम।